नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा सहाय मीना आपके साथ टर्की की राजधानी अंकारा से हाजिर हूँ। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, इसका नाम है कुक एंड टॉक, यानी खाना बनाओ और बात करो। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू शिमला मिर्च, लेकिन साथ में हम देश दुनिया की, राजनीति की, समाज की बातें भी करेंगे। आपको आइडिया पसंद आया या नहीं? देखिए, खाना तो रोजाना बनाना ही होता है, आप भी बनाते होंगे, मैं भी बना रहा हूँ। तो अगर खाना बनाना है, खाना बनाना एंजॉय करें, खाने के साथ बात करें, तो शायद खाना बनाना बोझिल भी ना लगे, सारा काम जल्दी से हो जाए। यहाँ पर जैतून का तेल मिलता है, हम इस जैतून के तेल में सब्जी बनाने वाले हैं, आलू और शिमला मिर्च की। तो इसके साथ ही मैं अपने तजुर्बे भी शुरू करता हूँ। मैं शिमला मिर्च कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर चूंकि कोई शिमला भी नहीं है तो शिमला मिर्च नहीं, इसका नाम सिर्फ बेबेर है, यानी मिर्च है। आलू को पतेतेज कहते हैं। दो शिमला मिर्च हमने ले ली, दो छौंक लगाने के लिए सादी मिर्च ले ली, एक प्याज ले लिया। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैं अंकारा 2 दिसंबर 2018 को पहुंचा, पहली बार देश से बाहर आया। देश से बाहर का कोई तजुर्बा नहीं, उत्साह जरूर था लेकिन एकदम अनजान, फिर भी हिम्मत करके आ गया और अंकारा पहुंच गया। अंकारा पहुंच करके जो सबसे बड़ा संकट सामने आया वो था खाने का संकट। खाना कहाँ खाएंगे? बता दूं कि जब मैं आया तो मैं अकेला आया था, मीनाक्षी जी और एकलव्य जी बाद में आए और मुझसे पहले वापस भी चले गए, मैं यहीं फंसा हुआ हूँ अभी तक। तो शुरू में मैंने एक दो दिन ये किया कि भारतीय दूतावास के जो कर्मचारी हैं उनके साथ मैं एक ढाबे में, जो एक टर्किश ढाबा है, उसमें मैंने खाना शुरू किया। वहाँ पर चावल जैसा कुछ मिलता है, मतलब भारत जैसा अच्छा चावल नहीं है, चावल जैसा मिलता है, छोले जैसा कुछ मिलता है, फूल गोभी की सब्जी मिलती है, लेकिन एक तो मैं भारतीय और ऊपर से राजस्थानी, यानी मसाले ज़्यादा खाता हूँ, मिर्ची ज़्यादा खाता हूँ, और यहाँ पर खाने में मिर्ची लगभग नहीं होती है। यहाँ के लोग मिर्ची और मसाले बहुत कम खाते हैं। मुझे पूरा खाना बेस्वाद लगा, और ऊपर से तीसरी और बीमारी शाकाहारी हूँ, तो अब क्या करें भाई। दो तीन दिन उनके साथ खाया, जब एक दिन देखा कि जहाँ पर खाना दिया जा रहा है उस जगह पर उसी कुल्ची से मांस परोसा जा रहा है, बीफ भी उसी से, मुझे छोला दिया गया, फूल गोभी दी गई, तो फिर मन खराब हुआ, भाई ऐसे कैसे खाया जाएगा। फिर निश्चय किया जो भी हो घर पे बनाया जाएगा, और घर पे बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। आप जानना चाहेंगे यहाँ पे क्या सब्जियाँ मिलती है, कैसी सब्जियाँ मिलती है। तेल हमारा पक चुका है, अब इसमें जीरा डालने का वक्त हो गया है। ये अच्छी व्यवस्था है यहाँ से, इसमें से एग्जॉस्ट फैन की तरह काम करता है धुआं वगैरह बाहर निकालने के लिए।
तो यहाँ पर भारत की काफ़ी सब्जियाँ मिलती है, आलू मिलते हैं आप देख सकते हैं, शिमला मिर्च मिलती है, हरी मिर्च मिलती है, टमाटर मिलते हैं, बैंगन मिलते हैं, फूल गोभी मिलती है, बंद गोभी मिलती है, बंद गोभी बहुत बड़ी होती है, फूल गोभी भी बहुत बड़ी होती है, कद्दू मिलता है। और आप कहेंगे क्या नहीं मिलता, लौकी नहीं मिलती, भारत जैसी नहीं मिलती है, कुछ लौकी जैसा मिलता है। इसके अलावा करेला नहीं मिलता, आम ही नहीं मिलती, भिंडी नहीं मिलती, और भी कई सब्जियां हैं जो परवल वो नहीं मिलता, कुंदरू परवल दोनों नहीं मिलते। तो शुरू में थोड़ा मुश्किल है, आपको खुद ही खाना बनाना होगा। तो एक बेहतर रास्ता है, बाहर खाना चाहते हैं और शाकाहारी है तो बहुत मुश्किल होगी, खाने में नमक मिर्च नहीं डालते, आप आग्रह करेंगे तो भी बहुत कम डालेंगे। जैसे अगर कोई यहाँ का आदमी भारत जाएगा, वो भारत के ढाबे वालों से कहेगा भाई मिर्ची कम डालना। तो ढाबे वाले थोड़ा सा कम कर देंगे, लेकिन फिर में यहाँ के हिसाब से मिर्ची बहुत ज़्यादा रहेगी और यहाँ के लोग नहीं खा पाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर अगर मिर्ची बढ़ाने के लिए आप कहेंगे तो मिर्ची इतनी सी बढ़ेगी कि आपको उसके बाद भी स्वाद नहीं आएगा। सब्जी में छौंक लग चुका है, आलू शिमला मिर्च की सब्जी बन रही है। उसके बाद घर पे पकाना शुरू किया, सुबह क्लास होती है 9:30 बजे, यूनिवर्सिटी 7 किलोमीटर दूर है, बस पकड़ के कई बार 2 बस बदलनी पड़ती है, कई बार एक सीधी बस भी मिल जाती है। तो घर से 9 बजे तक हर हाल में निकल जाना होता है। सुबह जग करके सुबह के लिए नाश्ता बनाता हूँ, जो सुबह का नाश्ता है सामान्य तौर पर खिचड़ी बनाता हूँ, जल्दी बन जाती है, सेहत के लिए अच्छी रहती है। दलिया लाया हुआ गेहूं का, दालें हैं, चावल है, सबको मिला देता हूँ और थोड़ा सा घी, थोड़े से मसाले। किसी दिन चावल में सब्जियां काट काट करके पुलाव जैसा बना देता हूँ, पुलाव बोलते हैं यहाँ पे चावल को, भारत में पुलाव बोलते हैं एक खास तरह के पकाए गए चावल को, लेकिन यहाँ पुलाव चावल का नाम है टर्किश में। फिर वहां से कक्षा होने के बाद कक्षा 3 घंटे की, 9:30 से 12:30 बहुत मुश्किल है, 3 घंटे लगातार पढ़ाओ, उसके बाद तो भूख ही लगी आती है। कक्षा होने के बाद फिर थोड़ा देर विद्यार्थियों के सवालों के जवाब के लिए या ऑफिस के किसी काम के लिए भी रुकना ही होता है, फिर तब जाकर के 1 बजे वहाँ से निकल पाता हूँ और करीब 2 बजे वापस घर पहुँच पाता हूँ। फिर जब भूखे हैं, थके हुए हैं, फिर खाना बनाना होता है। हाँ, मीनाक्षी जी यहाँ पे रही, जब वो वहाँ यहाँ पे रही तो थोड़ा आराम हो गया, खाना पैक करके दे देती थी, वहीं पे खा लेता था, थोड़ी पढ़ाई भी हो जाती थी। अब भूखे हैं तो क्या करेंगे वहाँ पे। जहाँ तक यूनिवर्सिटी में खाने के विकल्प का सवाल है तो वहाँ पर एक चोरबा नाम का व्यंजन मिलता है। चोरबा आप समझ लीजिए जैसे दाल है,
तो टमाटर का चोरबा मिलता है। दाल दाल कहने की वजह उसको सूप कहना चाहिए, जो लोग भारत जा चुके हैं उसको दाल सूप कहते हैं, यानी वो दाल का भी बना हो सकता है, टमाटर का भी बना हो सकता है, किसी और चीज का भी हो सकता है, वो दाल जैसा पतला सूप जैसा वैसा ही होता है। तो कई बार जब काम ज्यादा होता है वहीं पे चोरबा, और यह है कि कोई भी चीज आप लेंगे उसके साथ में ब्रेड मुफ्त है, ब्रेड का अलग से आपको पैसा नहीं चुकाना। हालांकि वो चोरबा 6.5 लीरा का मिलता है, 1 लीरा फिलहाल 12 की है, जब मैं आया था तो 15 की थी, लीरा की स्थिति कमजोर हो रही है, अर्थव्यवस्था सुनाए खतरे में है, अमेरिका के साथ तनातनी चलती रहती है, तो आप जानते हैं जब अमेरिका के साथ तनातनी चलेगी तो अर्थव्यवस्था पर थोड़ी मुश्किल तो आएगी। तवा गरम हो चुका है, तो इस तरह से फिर वैसे मैं ताजा सब्जियां खाना पसंद करता हूं, कई लोग फ्रिज में रख करके 5 दिन तक खाते हैं, मैं वैसा नहीं करता, चाहे अकेला हूं या परिवार के साथ हूं, ज्यादा से ज्यादा दोपहर की सब्जी शाम तक, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ के लोग लेकिन प्रिजर्व किया हुआ खाना खाना पसंद करते हैं, ज्यादातर उनके खाने की चीजें ऐसी है जो प्रिजर्व यानी मार्केट में मिल जाएगी, रोटी जैसा एक बहुत बड़ा मैदे का लंबी चौड़ी रोटी, नान दुकानों पे मिलती है, खरीद सकते हैं, महीने भर तक खा सकते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे खाद्य है जो आपको दुकानों पे मिल जाएंगे, उसको आप खा सकते हैं। दूध भी ऐसा मिलता है, भारत में ऐसा दूध शायद कोई लेना पसंद नहीं करेगा, 2 तरह का दूध है, एक ताजा दूध है और एक दूसरा संरक्षित दूध है, जो जिसकी वैलिडिटी 4-5 महीना कम से कम होती है एक्सपायरी, और वो भी बहुत सारे लोग खरीदते हैं, कॉफी बनाकर पीते हैं, दूध के रूप में ऐसे इस्तेमाल करते हैं। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सब्जियों के दाम कैसे हैं। सब्जियों के दाम भारत से आप समझ लीजिए दुगने हैं, कई बार तिगुने, कई बार चारगुने भी, लेकिन सामान्य तौर पर दुगने हैं। ज्यादातर सब्जियां 5 से 10 लीरा प्रति किलो के हिसाब से मिलती हैं, तो अभी वर्तमान की रेट के हिसाब से देखें तो आप 60 से 120 रुपया किलो। तो लेकिन सब्जियां ताजा मिलती हैं, सड़ी हुई नहीं मिलती, ताजा और अच्छी सब्जियां मिलती है। स्टोर्स है, एक सैटरडे मार्केट भी लगता है, लेकिन उसमें भी सब्जियों के दाम लगभग वही है जो स्टोर्स में मिलती है। हमारे पास एक चादास नाम की दुकान है, उस पर ताजा और अच्छी सब्जियां मिलती है, सामान्य तौर पर मैं वहीं से खरीदता हूं। इन दिनों भारत में कच्चे आम आए हुए हैं, मुझे कच्चे आम की चटनी यानी कैरी की चटनी बहुत पसंद है, लेकिन क्या करूं, यहाँ पे नहीं आते आम, कई बार आम मिलते भी है बाजार में भारत से या कहीं से आए हुए, टर्की में शायद सर्दी बहुत है इसलिए आम होते नहीं है, आम लोग जानते भी नहीं पसंद भी नहीं करते, जब जानते नहीं पसंद कहां से करेंगे। Thank you.
देखिए रोटी ऐसे नहीं खराब बन रही, एकदम फूल रही है सारी। रोटी बनाना अच्छे से आता है, अभी से नहीं बहुत पहले से। जब मैं 11वीं क्लास में था, गांव से गंगापुर सिटी पढ़ने के लिए आया, तब मुझे रोटी बनानी नहीं आती। एक रूममेट था विनोद, वो मुझे डांट लगाता था रोजाना, क्या है रोटी जल गई है, कैसे हो, रोटी बनाना नहीं आता है, क्या सीखा है। मुझे रोना आता था यार, रोटी बनाना भी नहीं आता बताओ। उसके बाद ऐसी ट्रेनिंग हुई वहां पर कि 11वीं 12वीं बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की रोटी बनाना सब्जी बनाना सब सीख ही गया। पर यहाँ तो बहुत आसान है यार। तब तो वो एक स्टोव हुआ करता था जिसमें हवा भरते रहो हवा भरते रहो, पिन लगाते रहो, कचरा आ गया है, पिछला हाथ ऐसे हो रहे हैं आटे के और बीच में स्टोव खराब हो गया है, उदय मोड़ उसको सुधरवाने के लिए जाओ, उसी हालत में भूखे बैठे हुए हैं। यहाँ कितना आसान है रोटी बनाना यार। हम राजस्थानियों को रोटी की बड़ी बीमारी है, रोटी के बिना पेट नहीं भरता। लेकिन फूली हुई रोटी खाते हैं, फूली हुई बनाते हैं बढ़िया। देखिए कितनी सुंदर सब्जी बन गई, सब्जी भी बहुत सुंदर है, रोटी तो अच्छी बनी रही है, काम खत्म। तो फिर तब से तय किया कि घर पे बनाएंगे। हाँ आटे के बारे में बता देता हूँ, यहाँ पे आटा मिलता है, मैदा तो कोई 10-15 तरह का मिलता है, आटा भी मिलता है लेकिन आटा किसी किसी दुकान पे मिलता है और एक एक किलो के पैकेट में मिलता है। 1 किलो का ले लो, 2 किलो 5 किलो भी ले लो, तो 1 किलो का पैकेट 4 लीरा का है, 48 रुपये किलो, कोई महंगा नहीं है। मेरी पत्नी को पसंद नहीं आया यहाँ का आटा, लेकिन मुझे तो ठीक लगा, ठीक है कम से कम आटा मिल रहा है इतनी दूर। जब मैं आ रहा था तो बड़ा चिंतित था कि आटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन मेरी चिंता निराधार साबित हुई, आटा मिल गया। मैंने गूगल किया, पता चला कि टर्की गेहूं उगाने वाले शुरुआती देशों में से है, जहां पर गेहूं की खेती सबसे पहले शुरू हुई। कुल मिलाकर के ये हमारी रोटी और सब्जी बन करके तैयार है, हमारी बातचीत भी पूरी हो चुकी है। अब लगी है तेज भूख, काफी लेट हो चुका है, अब बस खाने की बारी है। सब्जी भी सीझ गई है। आपको मेरा ये प्रयोग कैसे लगा, कुक एंड टॉक, पकाओ और बातें करो। फिर मिलेंगे।